सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आया हूँ ऑरस के पास अपना पीसी बिल्ड करने। लास्ट मैंने एक साल पहले अपना पीसी बिल्ड करा था, बट अब मैं आया हूँ अपने पीसी को अपग्रेड करने। पिछले वाला अमंगस बेस था, इस बार देखते हैं कैसा रहता है। फटाफट अपग्रेड करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो बेसिकली इंटेल का ये वाला प्रोसेसर है, ये मेरे मल्टीटास्किंग में काम आएगा। जो मैं स्ट्रीम वगैरह करता हूँ, गेम वगैरह खेलता हूँ, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। दिस इज बिल्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग। जो भी इंटेल के 12th जनरेशन के प्रोसेसर आते हैं, इट कम्स विद परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स। इन प्रोसेसर में DDR5 एंड PCIe 5 के इकोसिस्टम का सपोर्ट है। इस CPU को सपोर्ट करने के लिए जो मैंने गेमिंग मदरबोर्ड यूज किया है, वो है Z690 Aorus Master। तो गाइस, इस मदरबोर्ड में आता है DDR5 का सपोर्ट एंड PCIe 5 का सपोर्ट, एंड इसमें आता है फिन सैरे थर्मल डिजाइन, जो मेरे VRMs को कूल रखेगा। अब हम आते हैं इसके रैम पे, जो इसका DDR5 ओवरऑल आर्किटेक्चर है। इसमें ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट जनरेशन। जो हम इसमें SSD यूज़ करने वाले हैं, वो है लेटेस्ट जनरेशन SSD। इसकी रीड स्पीड है 5000 MBPS एंड राइट है 4400। सो सेटअप वेटअप सब कर चुके हैं, अब एक बार ऑन करके देखते हैं, इसका फर्स्ट बूट करके देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं, क्योंकि पहली बार खुद से बिल्ड कर रहा हूँ। तो चलो इसको ऑन करते हैं, चल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया हो पीसी बिल्ड करते हुए देखने में। लेकिन गाइस, वीडियो एंड करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे गिव अवे कर रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करो वहाँ पे जाके एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। और की तरफ से बहुत सारे मर्चेंडाइज मिलेंगे आपको। सो फटाफट जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में।